वाले साहब। अरे आप और यहाँ क्या बात है? अरे आइए आइए, अंदर आइए। अरे अम्मा देखिए कौन आया है। अरे ये हमारे साले साहब। अरे आज घर में पहली बार आए हैं, भयंकर खातिरदारी होनी चाहिए इनकी। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुम्हारे साले नहीं घर के जमाई आए। हमें आपके बाबूजी से कुछ बात करनी है। बाबूजी से? अरे बाबूजी से क्या बात करनी है? बाबूजी तो यहाँ है नहीं। बोलो हमसे बात करो। अरे पहले बैठो तो सही, क्या एकदम डंडे की तरह खड़े हो? हम यहाँ बैठने नहीं आए, बात करने आए। और ये बात हम तुम्हारे बाबूजी से ही करेंगे। अरे बोले ना बाबूजी घर पे नहीं है। अरे पहले अपना चेहरा तो ठीक करो। अरे ऐसे लग रहा है कोर्ट में पेशी देने आए हो, हैं? क्या हुआ? अरे देखो वैसे भी बाबूजी से बात करने का कोई फायदा नहीं। वो कहा है ना कि शादी में हर चीज हमरे मुताबिक होगी, पंडाल से लेके हलवाई तक, हर चीज जो हमारी इच्छा होगी वही चीज होगी। तो अपने चेहरे पे चमक लाओ और शर्माना छोड़ो, समझे? और वैसे कोई और बात है तो बताओ। अरे जीजा साला है, हैं? कहीं लेन देन की बात तो नहीं आ गई दिमाग में? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा अरे तो खुल के बोलो क्या बात है। अरे क्या चाहिए अपनी बहन के बदले में? हर फरमाइश पूरी होगी, बोलो। ध्यान से सुनिए, अगर ये शादी करनी है तो हमारी शर्त माननी होगी। सर, अरे तोरी हर शर्त पूरी होगी, बताओ। अरे ठाकुरों के घर में आए हो, बोलो क्या चाहिए? गाड़ी, बाइक, ठेका, जो बोलोगे वो फरमाइश पूरी की जाएगी। पहले सुनिए, पहले सुनिए, हमारी बहन की शादी तुमसे तभी होगी जब तुम अपनी बहन की शादी हमसे कराओगे। वरना ये शादी नहीं होगी। अरे तेरी मत कैसे हुई भाई घटिया बात अपने मुंह से निकालने की। अरे बहन है वो हमरी। अरे सोच भी कैसे लिए कि घटिया शर्त रखोगे हम चुपचाप मान लेंगे, हैं? अरे रिश्तेदारी का फायदा मत उठाओ। साले हो ना साले की तरह ही रहो, दोबारा ये बकवास करी ना चीर के रख देंगे। शेर के जबड़े में हाथ डाल रहे हो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसा सोचोगे तो। अपनी छोड़ो, हमारी और प्रतिज्ञा जी की शादी के बारे में सोचो, समझे? अगर ऐसा नहीं तो तुम्हारी शादी भी प्रतिज्ञा से नहीं हो सकती। बाबा
क्यों? इसमें बुराई क्या है? अगर तुम अपने परिवार में एक कायस्थ की लड़की को बहू बना के लाने की हिम्मत कर सकते हो, तो अपनी बहन को भी एक कायस्थ के परिवार में भेजने की हिम्मत भी तुम्हें होनी चाहिए। तुम्हारी जिद के आगे तो ये शर्त कुछ भी नहीं। क्यों? सोच लो। क्या कहती हैं अम्मा? अले साहब की बात में दम तो है। अरे आप कुछ बोल कि नहीं? अरे अरे कहाँ जा रही है? हम जानते हैं, जानते हैं हम। अरे कोई नहीं चाहता इस घर में प्रतिज्ञा जी बहू बनकर आए, जानते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत आगे निकल चुके हैं हम, और अब उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये बात समझ लो। आले साहब, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे प्रतिज्ञा जी तो हमारी जान है, प्यार करते हैं हम उनसे, लेकिन आपकी एक ऐसी जिद है। आपने तो कभी हमारी बहन को देखा भी नहीं। अरे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी, बताए रहे। अरे आप नहीं जानते मेरी बहन को, अभी भी सोच लीजिए। सोच लिया। शादी हम तुम्हारी बहन से ही करेंगे। और यही हमारी शर्त है। ठीक। हमारे दरवाजे पर आकर आपने हमारी बहन का हाथ मांगा है, निराश नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ लिया, मेरी लाडली बहन, लाडली कृष्णा की बहन, किसी चीज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। समझ गए? जाओ। अरे क्या याद रखोगे? अरे ठाकुर हैं हम, ठाकुर वचन देते। बाबा क्या कर रहे हो तुम? देखा अम्मा? अरे देखा? अरे अब करो शादी की तैयारी। ठाकुर की जुबान है, फिरेगी नहीं।